जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में 5 आरोपी पति सास ससुर देवर को गौदगांव से और आरोपी ननंद को बुंदेली गांव से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले के अन्य आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। प्रताड़ना से तंग आकर नवविवाहिता महिला ने 28 नवंबर को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। डीएसपी हेडक्वार्टर निकोलस खलखो ने बताया कि 5 दिसंबर को मृतिका सुषमा साहू के पिता ने सिटी कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज और घरेलू बातों को लेकर प्रताड़ित करते थे, जिससे तंग आकर सुष्मिता साहू ने 28 नवंबर को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304B-34 के तहत जुर्म दर्ज किया था और मामले की गंभीरता को देखते हुए गौदगांव के आरोपी शिव नंदन साहू, रामेश्वरी साहू, कमलेश साहू, उमा शंकर साहू साथ ही बुंदेली गांव से अनुसुईया साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कल दिनांक को नारायण साहू नामक व्यक्ति ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बेटी को उसके दामाद सास ससुर देवर और ननद प्रताड़ित करते थे दहेज के नाम से। तो उस प्रताड़ना से पीड़ित होके नारायण साहू की बेटी सुषमा साहू ने आत्महत्या कर लिया, जिसकी रिपोर्ट पर धारा 304B भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया गया और आज आरोपी मृतिका का पति कमलेश साहू, उसके पिता, माता, बहन और भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया जा रहा है।